अब देखो, भक्तमाल ग्रंथ में दो प्रकार के भक्त हैं। जहां केवल पुरुष भक्त है उसकी भक्ति तो आचार्य कोटि तक पहुंची है और उसकी भक्ति को प्रमाणित किया गया, ऐसे भक्तों के चरित्र जन्मजात विरक्त हैं, स्त्री संपर्क हुआ ही नहीं, विवाह किया नहीं, प्रवृत्ति में बंधे नहीं, जन्मजात भगवान के भक्त हैं आचार्य कोटि के। कुछ ऐसे जैसे श्री रामानंदाचार्य जी, जैसे श्री निम्बारकाचार्य जी, जैसे श्री शंकराचार्य जी, वो बाल्यकाल से ही विरक्त हो गए, दाम्पत्य जीवन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्होंने दाम्पत्य को अंगीकार करके भक्ति की। तो भक्तमाल ग्रंथ में जहां दंपति भक्त हैं, वहां दंपति भक्त में पति की भक्ति से पत्नी की भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। ये बात आप गौर करके देख लेना पूरे भक्तमाल ग्रंथ में। जहां दंपति भक्तों के चरित्र हैं वहां पति के अपेक्षा पत्नी की भक्ति ज्यादा है। जैसे अम्बरीश जी के भक्ति की अपेक्षा अम्बरीश जी की छोटी रानी की भक्ति कई गुनी अधिक ज्यादा है। भोजराज महान भक्त हैं और श्री मीरा जी के संपर्क से ही उनमें भक्ति प्रकट भई है, लेकिन मीरा जी की भक्ति अपने आप में श्रेष्ठतम भक्ति है। ऐसे तमाम चरित्र हैं जहां श्री मधुकर साह महाराज ओरछा के नरेश, उनकी भक्ति से उनकी महारानी कुंवर गणेश की भक्ति, गणेश देवी रानी की भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ हुई। तो दंपति भक्तों में पत्नी की भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। उसका कारण यह है कि पुरुष का अंतःकरण ज्ञान और वैराग्य प्रधान अंतःकरण है और माताओं का अंतःकरण भावुकता प्रधान अंतःकरण है, और भावुकता प्रधान अंतःकरण इस रस भक्ति की उपासना में सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए उस अंतःकरण को पाने के लिए बहुत से पुरुष भाव के भक्त भी कहते हम तो गोपी हैं। ये रहस्य क्या है? भगवान ने तुम्हें पुरुष बनाया है पर तुम स्त्री क्यों बनना चाहते हो? बोले गोप भक्त थे और गोपियां भी भक्त थी, पर गोप गणों से गोपियों की भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ थी, गोपी प्रेम की ध्वजा। तो माताओं को भक्ति के योग्य अंतःकरण प्राप्त है। मथुरा के ब्राह्मण क्या विमुख थे? विमुख नहीं थे। विमुख होते तो यज्ञनारायण भगवान की उपासना क्यों करते? और वे ये भी जानते थे कृष्ण बलराम साक्षात परमात्मा हैं। वे वैदिक सदाचारी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, लेकिन कंस के भय के मारे वे भगवान का दर्शन करने नहीं गए। और ब्राह्मणिया नासाम दुजाति संस्कारा ना निवासो गुरावपी, और वो सब कुछ त्याग करके वो चली गई भगवान को छाक आरोगाने के लिए। ठाकुर जी को भोग लगाए यज्ञ पत्नियों ने। तो दंपति भक्तों में पत्नी की भक्ति बहुत श्रेष्ठ होती। देखिए, भक्ति के लिए भाव प्रधान अंतःकरण की आवश्यकता है। भक्ति के लिए भाव प्रधान अंतःकरण की आवश्यकता है और ज्ञान मार्ग की साधना के लिए विचार प्रधान अंतःकरण की आवश्यकता है। और यह ईश्वरीय अनुग्रह है माताओं पर कि उनका हृदय भाव प्रधान होता है। भाव प्रधान होने के कारण भक्ति में उनका अंतःकरण अधिक उपयुक्त होता है। पुरुषों का हृदय विवेक प्रधान, विचार प्रधान, बुद्धि प्रधान होता है उनका हृदय। इस कारण से वे भक्ति के पथ में, प्रेम के पथ में माताओं से कुछ पीछे ही रहते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश के महान मूर्धन्य संत जो देह से पुरुष भाव में प्रकट हुए थे, उत्पन्न हुए थे, पर भक्ति की सर्वोच्च कक्षा में पहुंचने के बाद उन्होंने पुरुष शरीर होते हुए भी अपने को पुरुष न कहकर अपने को गोपी कहा या अपने को सखी कहा, अली कहा, क्यों कहा?
उसका कारण यह है कि वह भाव स्वीकार किए बिना वह हृदय मिल नहीं सकता है।